मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो चाबी आखिरी बार मैंने आरती को ही दी थी। जी मम्मी जी, चाबी आपने मुझे दी थी लेकिन उसके बाद। अरे कहीं तूने तिजोरी खुली तो नहीं छोड़ दी थी? तूने ठीक से देखा था ना? जी मम्मी जी, मैंने ठीक से लॉक किया था और फिर दो बार चेक भी किया। लॉक करने के बाद चाबी मैंने आपको दे दी। हाँ, जब मैं चाबी आपको दे रही थी तो आकाश भैया ने मेरे हाथ से चाबियां ले ली थी। कहना क्या चाहती है तू? ये हार आकाश ने चोरी किया? नहीं, साफ साफ कह, घुमा फिरा के क्यों बोल रही है? उसे कोई जरूरत नहीं है हार चोरी करने की। मेरा बेटा है वो, मेरा बेटा, ये सब कुछ उसका है। उसकी रगों में खानदानी खून दौड़ रहा है, समझी? तेरे जैसे अनाथ गरीब घर की पैदाइश नहीं है कि चोरी जैसी हरकत करे। बात पैदाइश की नहीं होती है गायत्री जी, बात नियत की होती है, आदत की होती है। जरूरी नहीं कि हर गरीब इंसान चोर हो और रईस खानदानी इंसान शरीफ। किसी भी मां को अपने अपने बच्चे की कमियां बताते हुए अच्छा तो नहीं लगता, पर सच तो यही है कि आकाश को चोरी की लत है। कई बार मेरे भी पैसे चुरा लिया करता था, पर वो बात और है कि बाद में खुद ही मुझे बता दिया करता था और फिर माफी भी मांगता था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आने दीजिए आकाश को, मैं बात करती हूँ उससे। बहुओं पर इल्जाम लगा दिया क्योंकि वो पराए घर से आई है। एक बार अपने लाडले बेटे से तो पूछ लिया होता। मेरे घरेलू मामले में दखल अंदाजी करने का हक किसने दिया तुझे? होगा तुम्हारा रिश्ता मेरे पति के साथ, मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। मेरे लिए तुम बस एक मेरे पति की भूल हो, एक दूसरी औरत जो मेरे घर में जहर घोलने चली आई है। ये घर मेरा है, मेरा। मैंने बड़े प्यार से और सहेज कर रखा है इसे, और अपने मंदिर जैसे घर में मैं तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी, समझी? देखिए गायत्री जी, मैं आपके किसी भी मामले में दखल नहीं देना चाहती। बस सिर्फ इतनी विनती करती हूँ कि इतनी भी तरफदारी मत कीजिए अपने बेटे की कि वो और बिगड़ जाए। मैं जानती हूँ अपने बच्चे को प्यार देना, उसका ख्याल रखना, उसकी छोटी बड़ी हर जरूरत पूरी करना हर माँ चाहती है, लेकिन प्यार के साथ साथ थोड़ी सख्ती भी बरतनी चाहिए। अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसे उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। आकाश, हम लोग भोपाल से बाहर आ गए, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? यश भाई, मालिकों से सवाल नहीं पूछते। चुपचाप गाड़ी चलाओ। एक काम करो, यही रोक दो। शाबाश, इधर उधर देख क्या रहे हो? चलो उतरो, दरवाजा खोलो हमारे लिए, जल्दी। यहाँ पे क्यों है? हमारा मूड कर गया लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। अरे इतने सालों से रईस की जिंदगी जी रहे हो और ये भी नहीं पता कि रईस लोगों का शौक होता है, जब मन करे
तो निकल जाए लॉन्ग ड्राइव पे। वाह, मूड बन गया हमारा। हाँ चलो अब वापस घर चलते हैं। भाई तुम तो गाड़ी ऐसे चलाते हो जैसे बैलगाड़ी। अरे इतनी बढ़िया गाड़ी है, फर्र करके निकलनी चाहिए। अब देखो हम कैसे हवा से बातें कराते हैं इसकी। और एक बात सुन लो, पीछे नहीं बैठोगे तुम, यहाँ पे कोई बैलगाड़ी होगी उसी से सवारी ले लो, समझे? सी यू। सिखाएगी मुझे माँ का फर्ज, तू जिसने खुद एक नाजायज औलाद को जन्म दिया। मेरी वही नाजायज औलाद, संस्कारों की धनी है गायत्री जी, और ये बात कहते हुए मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती कि वो संस्कार आपने दिए हैं मेरे यश को। आकाश और यश की तुलना मत कर। खानदानी खून खानदानी होता है और गंदा खून गंदा, समझी? मम्मी जी आप राधा मां पर क्यों नाराज हो रही हैं? वो तो आपकी परवरिश की तारीफ कर रही हैं। बहुत अच्छे, वाह। मुझसे तो कह रही थी कि मैं भेदभाव करती हूं, और तू खुद क्या कर रही है? सगी और सौतेली सास में फर्क कर रही है। तुम सब लोग बताओ, ये अपनी सगी सास का पक्ष ले रही है कि नहीं? इतने महीनों का प्यार भूल गई, भूलेगी कैसे नहीं? अब पता है इसको जो चल गया है कि मैं इसकी सगी सास नहीं हूं। बोलो, तो तुम लोग भी इसी का साथ दोगे, ठीक है? मैंने हर कदम पर एक सास का धर्म निभाया है, अपनी बहुओं को लक्ष्मी मानकर इज्जत से रखा है, लेकिन कोई मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाए वो मैं सहन नहीं करूंगी। हार आरती से घुमा है और आरती ही उसे ढूंढ कर लाएगी।
पर ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाएंगे तुमको बैलगाड़ी से, हम तो छोड़ जा सबक गाड़ी के सामने आता है। अबे ओ अंधा है क्या है? गाड़ी दिखाई नहीं देती तुम्हें? जानते हो कितनी महंगी गाड़ी है, है? क्या सुनाई नहीं दे रहा हम क्या कह रहे हैं? अबे कुछ हो जाता गाड़ी को तो घूर क्या रहा है, है? क्या घूर रहा है? अबे आंखें नीचे कर, कहा आंखें नीचे कर। यही है क्या? वही है। अबे वो ही नहीं, तुम्हारे बाप है हम साले। बाबूजी कॉफी। ये अनिरुद्ध का घर है। कौन है ये? यहाँ क्या कर रही है? अनिरुद्ध को कैसे जानती है? सवाल जितने सीधे हैं जवाब उतने ही उलझे। आपको भी ये प्रोमो बहुत अच्छा लगा? वाकई काफी अलग लग रहा है दूसरे प्रोग्राम से। इस शो में दो औरतें भी हैं, मीरा और नंदिनी। उनके किरदार भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ये उन औरतों में से हैं जो बुराई के खिलाफ आवाज उठाती है, अन्याय का विरोध करती है, बिल्कुल आज की नारी की तरह। मैं तो ये शो जरूर देखूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये शो बहुत पसंद आएगा। तो देखना मत भूलिएगा बदलते रिश्तों की दास्तान, सिर्फ जी टीवी पर। अरे तू तो इसके साथ था, तुझे तो पता होगा क्या हुआ।
बताना है किसने कहां की दुश्मनी निकाली है मेरे बच्चे पर। बहुत तकलीफ हो रही होगी इसे। जाने कैसे बेरहम से लोग थे, हर इस तरह को छाती पर गर्म पानी फेंकता है क्या? कहीं गर्म पानी चेहरे पे या आंखों में चला जाता था। शुभ शुभ बोल, भगवान ना करे जो कभी मेरे बच्चे के साथ वैसा हो। मम्मी जी, मैं राधा माँ को कहती हूँ कि वो आयुर्वेदिक लेप बना दे। जो यश जी के ऊपर चाय गिरी थी तब उन्होंने लगाया था ना, उससे बहुत जल्द आराम मिल गया था उन्हें। आपने नहीं देखा लेकिन मैंने और पंकज भैया ने देखा है, इसलिए गरम गरम चाय यश भैया के ऊपर फेंकी है। अपने ही घर में अपनों के साथ ऐसा अन्याय होते हुए कैसे देख सकती हैं आप? मम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आकाश भैया जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी आप चुप हैं। यश भी ठीक इसी तरह जला था ना, और तू मेरे कमरे में आई थी मुझसे शिकायत करने के लिए कि मेरे बेटे ने तेरे पति को जला दिया है, और मैं चुप बैठी हूँ, कुछ कर नहीं रही। और देख, आज आकाश भी ठीक इसी तरह से चला है, और ये दोनों बातें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे पर किसी ने हमला करवाया है। गुंडे बदमाश गर्म पानी लेकर यूं घुमा नहीं करते। अगर लूट का इरादा होता तो सुनसान सड़क पर चाकू की नोक पर इससे पैसे लूटे जा सकते थे, गाड़ी लेके भागा जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, बस गर्म पानी फेंका और भाग गए। तो इसका साफ मतलब है ना, ये हमला तूने करवाया है आकाश पर। बस गायत्री, अपने मुंह से अपनी ही बहू के बारे में ऐसी बात कहने के पहले कुछ तो सोचा होता। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि आरती बहू ने ये करवाया है? कि बहू पर, अपनी ग्रह लक्ष्मी पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी गलती की सजा तुम उसे क्यों दे रही हो? मेरा गुस्सा उस पर निकाल रही हो? वो हर किसी के सुख दुख में काम आई है। आइंदा बगैर सबूत के किसी के बारे में कुछ भी कहने के पहले 10 बार सोचना। सबूत चाहिए ना आप सबको? ठीक है, मैं लेकर आऊंगी सबूत, आपके और पूरे परिवार के सामने खड़ा कर दूंगी उस गुनहगार को। मेरे ममेरा भाई DSP बनकर आया है भोपाल में, वो मदद करेगा मेरी। फिर पता लगेगा कि कौन सच्चा है और किसे इल्जाम लगाने का शौक है। पंकज, गाड़ी निकाल, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है अभी इसी वक्त, शिकायत दर्ज करवानी है।